हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग का है फैसियोला हिपैटिका, यानी कॉमन लिवर फ्लूक। कॉमन लिवर फ्लूक बिलोंग करता है फाइलम प्लैटीहेलमिंथस को और क्लास है इसका ट्रेमाटोडा। प्लैटीहेलमिंथस आर फ्लैट वर्म्स। इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, जैसे लीफ होता है वैसे ही। और ये क्लास ट्रेमाटोडा को बिलोंग करता है, जिसमें कि दो सकर होते हैं, एंटीरियर सकर और वेंट्रल सकर। एंटीरियर सकर की मदद से ये न्यूट्रिशन सक करता है होस्ट के बॉडी से, और वेंट्रल सकर की मदद से ये एडहेसिव सकर के तरह काम करता है, ये चिपकता है होस्ट के बॉडी में। 1883 में थॉमस ने इसका लाइफ हिस्ट्री वर्कआउट किया था। और इसके दो होस्ट हैं, कौन कौन होस्ट हैं? शीप और स्नेल। स्नेल में कुछ भी हो सकता है, लिमनिया, प्लेनॉर्बिस, बुलिनस वगैरह, कोई भी इसका होस्ट हो सकता है, लेकिन इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो शीप है। इसके इन्फेक्शन से लीवर रॉट या फैसियोलासिस होता है, जिसके चलते कि लैम्ब्स वगैरह में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, और ये एपिटाइट लूज कर जाता है, एनीमिया हो सकता है इसको, फीवर हो सकता है, स्वेलिंग जॉज में हो सकती है, इस तरह से बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। जब इसका एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो इस शीप को या तो मार देते हैं, या फिर ट्रीटमेंट अगर करने की कोशिश करते हैं तो एंटीहेलमिंथ ड्रग्स दिया जाता है। जो एंटीहेलमिंथ ड्रग्स हैं, हेक्साक्लोरोइथेन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड एट्सेट्रा है, लेकिन ये क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है शीप्स को। इससे आगे बढ़े तो इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, शेप एंड साइज, ये सॉफ्ट है, ओवल है, लीफ लाइक है, सॉफ्ट ओवल लीफ लाइक। 1.8 to 3 centimeter इसका लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक, एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक। इसका विड्थ 0.4 to 1.5 centimeter होता है। ये सारा मेजरमेंट्स एडल्ट फ्लूक का है। कलर इसका समवॉट पिंकिश होगा और ट्रांसपेरेंट होता है बॉडी, इसीलिए अंदर के ऑर्गन्स भी विजिबल होते हैं। दो सकर होते हैं, ओरल सकर और वेंट्रल सकर, जिसको एसिटाबुलम बोलेंगे। ओरल सकर में माउथ होता है और ये इसका सक्टोरियल ऑर्गन है, क्योंकि ये ब्लड या न्यूट्रिशन सक करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें अपर्चर्स हैं, जेनाइटल अपर्चर्स और एक्सक्रीटरी पोर। जेनाइटल अपर्चर गोनोपोर है, जो कि वेंट्रल सकर से थोड़ा सा आगे है, पहले है, और इसमें दोनों जेनाइटल पोर्स खुलते हैं, मेल जेनाइटल पोर और फीमेल जेनाइटल पोर दोनों खुलते हैं इसमें। और दूसरा एक पोर है, वो है एक्सक्रीटरी पोर, जो इसके पोस्टीरियर साइड में होता है। इसके अलावा इसका बॉडी कवर्ड रहता है क्यूटिकल से, और इसमें स्पिन्यूल्स रहते हैं, स्केल से भी ये कवर्ड रहता है, जो कि बहुत माइन्यूट रहते हैं। अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही इसके बॉडी के अंदर हैं। तो इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें एंटीरियर टेस्टिस है और पोस्टीरियर टेस्टिस है, दो टेस्टिस हैं जो कि हाईली ब्रांच्ड हैं और ढेर सारे स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये सब यूनाइटेड रहते हैं डक्ट से, जिसको वासा इफरेंशिया या वास डिफरेंस कहेंगे। ये वास डिफरेंस कंबाइंड होके सेमिनल वेसिकल, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें खुल जाते हैं, और सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म स्टोर होता है, और मेल जेनाइटल पोर के जरिए ये इजेक्ट होता है और फीमेल के बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि हाईली डेवलप्ड है। इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्लैक कलर से बना हुआ है। ओवरी है, जो कि लोब्ड है, हाईली ब्रांच्ड है, और इसमें ढेर सारे
एग्स का प्रोडक्शन होता है, ओवम का प्रोडक्शन होता है। ये ओविडक्ट में होते हुए फर्टिलाइजेशन के बाद ये यूटेरस है इसका, जिसमें कि फर्टिलाइज्ड एग्स रहते हैं। और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो इसके चारों ओर एक कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं, शेल सिक्रीट करते हैं, जो कि इसको एम्ब्रियोनेटेड कैप्सूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फाइनली ये इजेक्ट होता है बाहर होस्ट के बॉडी में, इंटेस्टाइन में, फीकल मैटर से ये बाहर होस्ट के बॉडी से निकल जाता है। ये हो गया इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक चीज़ और है इसमें, वो है विटेलेरिया या विटेलाइन ग्लैंड्स। ये स्पेशल फीचर है जो कि ट्रेमेटोड्स में पाए जाते हैं। और विटेलाइन ग्लैंड्स का फंक्शन होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उससे इनको न्यूट्रिशन मिलता है। अब है इसका लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट। जो जायगोट बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पहले तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता, जबकि ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, मेल और फीमेल ऑर्गन सब एक ही बॉडी में है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन एकदम रेयर है। जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म एक्सचेंज के बाद जो जायगोट बनेगा उसमें योग सेल्स रहते हैं, योग सेल्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और कैप्सूल का भी सिक्रीशन करते हैं। जो कैप्सूल बनता है जायगोट के चारों ओर, वो कैप्सूल योग सेल्स ही यही सेल्स सिक्रीट करते हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता होती है कि ये ओपरकुलेट है। इसमें एक ओपरकुलम होता है, यानी कवर होता है, जो कि ओपन हो सकता है और बाद में इससे लार्वा को बाहर निकालेगा। तो इस तरह का जायगोट इन कैप्सूल लगभग एक सिंगल फ्लूक 3000 कैप्सूल्स तक सिक्रीट या बना सकते हैं। जो जायगोट है इसका डिवीजन जब होगा, क्लीवेज, वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, यानी इक्वली डिवाइड होता है और ढेर सारे सेल्स का मास बना लेता है, जिसको जर्म सेल्स कहते हैं। इसके बाद ये फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाता है और ये कैप्सूल्स, इनका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तभी ये आगे का इसका लार्वा जो इसके अंदर है वो बाहर आएगा। ये कैप्सूल्स को जब वाटर मिलेगा, और वो भी उसका पीएच हो 6.5 और टेम्परेचर हो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, तब इस ओपरकुलम से बाहर निकल जाएगा मीरासीडियम लार्वा। और वो उसमें सीलिया रहता है, इसलिए वो स्विम करता है। लगभग 24 आवर्स के अंदर इसको मीरासीडियम को स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होना होता है, और स्पोरोसिस्ट से फिर रीडिया लार्वा बनता है, रीडिया से सर्केरिया बनता है, सर्केरिया में सिस्ट का फॉर्मेशन होके मेटासर्केरिया बनाता है। तो इतने सारे इसके लार्वल फॉर्म्स हैं, जो कि बहुत टिपिकल है एनिमल किंगडम में। जनरली इतने ज़्यादा लार्वल फॉर्म्स किसी भी पैरासाइट में नहीं होते हैं। तो इसके लार्वा का थोड़ा डिटेल देखते हैं। सबसे पहला मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम लार्वा में इसका जो बॉडी होता है ये 21 सेल्स का बना होता है, जो पांच रो में बटे रहते हैं, और इसमें आई स्पॉट होता है जो सेंसिटिव होता है। सीलिया से ये कवर्ड रहता है, और यहाँ पे एक एपिकल पैपिला है जो इसको स्नेल के बॉडी में पेनिट्रेट करने में, अंदर जाने में मदद करता है। और क्योंकि इसके चारों ओर सीलिया का कवरिंग है, ये आराम से स्विम कर सकता है पानी में। तो ये नॉन फीडिंग स्टेज है, ये खाना कुछ भी नहीं खाएगा, एक्टिवली स्विम करता रहेगा। और इसके लिए एक टारगेट होता है कि स्नेल के बॉडी को इसको 24 घंटे के अंदर पहुंचना होता है और उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाना होता है, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएगा, इसका डेथ हो जाएगा। जब ये स्नेल के बॉडी में पहुंच गया थ्रू पुलमोनरी एपर्चर, उसके बॉडी में पुलमोनरी एपर्चर होता है, उसके ज़रिए वो अंदर जाएगा और
नए तरह के लार्वा का फॉर्मेशन करेगा ये मेरासीडियम। इस लार्वा को बोलते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा में इसका बाहर का कवरिंग क्यूटिकल का होता है, फिर अंदर मसल लेयर्स होते हैं क्योंकि इसके पास सीलिया नहीं है, मसल्स के जरिए ये मूव करेगा, और इसके अंदर जर्म सेल्स का बॉल बना होता है ढेर सारा, जो कि जायगोट का जब डिवीजन हुआ था तो उस समय ये बनता है, उसी का ये कंटिन्यूएशन रहता है। और ये बनाते हैं रीडिया लार्वा। इसके बॉडी के अंदर ये जो जर्म सेल्स हैं, इसका बॉल, ये जर्म सेल्स डिवाइड करके रीडिया बनाते हैं। ये ओल्ड रीडिया है, ये ओल्डेस्ट रीडिया, ढेर सारा रीडिया इस स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर होगा, और इससे फिर रीडिया रिलीज हो जाएंगे। रीडिया लार्वा, इसका ये माउथ है, यहाँ पे फेरिंजियल ग्लैंड्स हैं। इसका एक टिपिकल फीचर है कि यहाँ पे इसके कॉलर रहता है। इसका माउथ और गट यहीं तक लिमिटेड है। एक स्पेशल फीचर इसका है कि यहाँ पे एक बर्थ पोर होता है, और जो बॉल्स थे, जर्म बॉल्स ढेर सारे, उनसे या तो ये रेडिया का ही फॉर्मेशन करेगा एक जनरेशन पूरा समर सीजन में जब फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, तो ये जर्म सेल्स या जर्म बॉल ये रेडिया का फॉर्मेशन अंदर ही करते हैं, और इस बर्थ पोर के ज़रिए वो बाहर निकल जाता है रेडिया लार्वा। लेकिन जब विंटर का सीज़न आता है उस समय में ये सर्केरिया लार्वा बना लेता है, और ये बर्थ पोर के ज़रिए सर्केरिया लार्वा बाहर आ जाता है। तो ये सर्केरिया लार्वा, इसका स्ट्रक्चर है, इसमें एक टेल होता है जो कि और किसी में नहीं था, और ये इसका माउथ है, ओरल सकर है, फेरिंग्स हो गया, इंटेस्टाइन है, फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन, जर्म सेल्स का बॉल इसके अंदर भी रहेगा, एक्सक्रीटरी वेसिकल वगैरह रहता है, और ये आराम से लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ टेल कर सकता है। तो ये सर्केरिया लार्वा देखने में, अगर इसका टेल हम हटा दें तो ये ऑलमोस्ट एडल्ट की तरह लगता है, देखने में एडल्ट फ्लूक की तरह लगता है। अब ये सर्केरिया लार्वा पुलमोनरी सैक से होते हुए स्नेल के बॉडी के बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद ये 2-3 दिन तक जिंदा रहता है ऑन एक्वेटिक प्लांट्स, जो ग्रास वगैरह रहते हैं उनमें जाके चिपक जाता है और वहीं पे जिंदा रहता है। उस दौरान ये मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो जाता है, इसका टेल ख़त्म हो जाएगा, और इसके चारों ओर एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए सर्केरिया से ही मेटासर्केरिया बना, सिस्टेड सर्केरिया भी इसको बोल सकते हैं। इसका टेल ख़त्म हो जाता है और ये ग्रासेस से अटैच हो जाएगा, लेकिन पानी के नज़दीक, और शीप जब इसको खाते हैं तो मेटासर्केरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और तब शीप के बॉडी के अंदर जाके इसका सिस्ट डिसॉल्व होता है, और इससे एडल्ट फैसियोला का निर्माण होता है। अब है इसका लाइफ साइकिल, शीप का लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल शीप के अंदर, तो जो मेटासर्केरिया एंसिस्टेड था उसका सिस्ट डिसॉल्व हो जाता है, और ये धीरे धीरे लीवर वगैरह में जाके स्टेबल होके बड़ा होता है, एडल्ट फ्लूक में कन्वर्ट होता है, और रिप्रोडक्शन करेगा और कैप्सूल्स बनाएगा, एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियोज बनाएगा जो कि फीकल पैलेट्स के साथ बाहर आ जाएंगे, और तब इससे एग, ये एम्ब्रियो है, फिर इससे मेरासीडियम लार्वा का फॉर्मेशन होगा जो कि पानी में स्विम करेगा और स्नेल के बॉडी के अंदर चला जाएगा थ्रू पुलमोनरी अपर्चर, और तब ये कन्वर्ट होगा स्पोरोसिस्ट लार्वा में, स्पोरोसिस्ट लार्वा से ये कन्वर्ट होगा रीडिया लार्वा में, रीडिया लार्वा से रीडिया कंटेनिंग रीडिया, फिर रीडिया कंटेनिंग सर्केरिया लार्वा, और फिर इससे सर्केरिया लार्वा जो बनेगा वो फिर पुलमोनरी सैक से होते हुए बाहर निकल जाएगा, ये जाएगा पानी में, और फिर वहाँ पे ये फ्री स्विमिंग सर्केरिया के फॉर्म में स्विम करते हुए
ग्रासस से अटैच हो जाएगा और इसका टेल ख़त्म होके ये इंसिस्टेड मेटा सर्केरिया बना लेगा। अब इस मेटा सर्केरिया को जब शीप खाएगा तो ये इसको इन्फेक्शन इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये था फैसियोला का लाइफ साइकिल। अब इसमें एक कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स इसके लाइफ साइकिल के क्या हैं। सबसे पहला तो है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है जिसमें कि ढेर सारे लार्वल स्टेजेस हैं। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, ढेर सारे लार्वल स्टेजेस हैं। चांसेस ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा होने के चलते इसके जो एम्ब्रियोज जो हैं उनका डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो कैप्सूल से वो बाहर निकलेगा तो उसको चाहिए सूटेबल पीएच और टेम्परेचर। मिरासीडियम को 24 घंटे के अंदर स्नेल के बॉडी के अंदर जाना होता है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेटासर्केरिया है तो मेटासर्केरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा दिन तक बाहर रह गया तो। फिर इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसी के चलते ये सर्वाइव कर जाता है, नहीं तो जिन एक्सट्रीम कंडीशंस में इसके लार्वा का प्रोडक्शन और उसका ग्रोथ वगैरह होता है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है इसका सर्वाइवल। लेकिन हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होने के चलते ये बहुत ही सक्सेसफुल पैरासाइट है। फिर एक इसमें है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। इसके जो जर्म सेल्स हैं वो जायगोट से डिवीजन के बाद बने थे और वो जर्म सेल्स ही मल्टीप्लाई करते हैं माइटोसिस से, इसका लार्वा जो होगा वो उसी सेल से बनता है, इसीलिए इसको पॉली एम्ब्रियोनी का नाम दिया गया है। फिर एक और फीचर है जो बहुत स्पेसिफिक है, वो है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है? इट इज़ ऑल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जनरेशंस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। फैसियोला के लाइफ साइकिल में भी कुछ पीरियड तक ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है जैसे स्पोरोसिस्ट, रीडिया लार्वा वगैरह बना, और कुछ पीरियड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये मेटाजेनेसिस भी शो कर रहा है। एक बात और है इसमें लास्टली, वो है एडवांस्ड लार्वल स्टेजेस। इसका जो मिरासीडियम और सर्केरिया लार्वा है ये बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म है और इवन कुछ चीज़ों में ये एडल्ट फ्लूक से भी ज़्यादा एडवांस्ड है। सो दैट वॉज लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका। थैंक यू।